पफ वाली स्लीव्स बनाने के लिए हमने अस्तर कटिंग कर लिया स्लीव्स का। बेस की लंबाई लेनी है हमें 10 या 11, आप जितनी लंबाई लेना चाहते हैं स्लीव्स की उतनी ले सकते हैं। मैंने 11 ली है। अभी पफ के लिए हमें कपड़ा कटिंग करना है। ये कपड़ा हमने लिया है 6.5 और इसकी लंबाई लेनी है। अगर हमें अधिक पफ करना है ज़्यादा तो हम ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने इसका लिया है 30 सेंटीमीटर। अभी इस तरह से हम स्लीव्स के ऊपर मार्क करेंगे जहाँ से हमने इसके सेल भरने हैं। टक्स के लिए यहाँ से कट कर लेते हैं। अभी नीचे की साइड में भी टक्स के कट कर लेते ताकि दोनों टक्स आमने सामने बराबर आए। अभी हम इस तरह से टक्स लगाएंगे इसके, जहाँ तक हमने कट किया है वहाँ से वहाँ तक हमें टक्स लेने हैं। देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे टक्स ले लिए हैं। दूसरी साइड भी इस तरह से हमें आमने सामने टक्स लगाने हैं। ये देखिए हमने इस तरह से टक्स लगाए। अभी हम अस्तर के ऊपर जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा ऊपर रखना है और कोने की साइड में थोड़ा ऊपर, फिर इसके ऊपर जिस तरह स्लीव्स की कटिंग है अस्तर की उसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम कट कर लेते हैं। हमने इस तरह इसको कटिंग कर दिया है। अभी हम इसको सीधा करेंगे। और इस तरह से नीचे वाला बेल्ट भी जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर नाप करके देख लेते हैं कितना रखना है। हमें 18 लिया है और इसकी लंबाई लेनी है हमें, चौड़ाई लेनी है हमें 4.5 या 4 ले सकते हैं। हमने 5 सेंटीमीटर लिया है इसका। थोड़ा सा फोल्ड होगा इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अभी हम इसके ऊपर इस तरह से लेस लगाएंगे। उल्टी साइड में लेस लगानी है। अभी हम इसके ऊपर ये कपड़ा जॉइंट करेंगे। कपड़ा भी उल्टी साइड में उल्टा रख के करना है इस तरह से। देखिए इसके ऊपर हमने सिलाई कर दी है। अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। हम इसके ऊपर भी एक और सिलाई लगानी है ताकि हमारी लेस अच्छी तरह से दब जाए। हमने ये सिलाई कर दी है। अभी हम इसको सीधा करना है कपड़े को और इसके ऊपर भी एक दबा के सिलाई करनी है ताकि हमारी लेस फिनिशिंग में आए। ये देखिए हमने डबल सिलाई कर दी है। और अभी ऊपर की साइड में भी हमें लेस लगानी है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे और जो कपड़ा है इसके ऊपर हल्का सा फोल्ड करना है, जितनी हमें लेस दिखे उतना ही। और हम इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स इस तरह से बन के रेडी हो गई हैं। और ये जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो स्लीव्स सुंदर भी बहुत ही दिखती हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये पफ बन के रेडी हो गया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड मेरा वीडियो आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।